नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अशोक ईटूटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज की इस वीडियो में समझने जा रहे हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर यानी कि आरटीडी के बारे में। हम समझने जा रहे हैं कि आरटीडी का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, कौन सा इसके अंदर मेटल यूज़ किया जाता है और किस तरीके से ये काम करता है, प्लस इसकी कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन किस तरीके रहती है। सभी पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आज समझेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर यानी कि आरटीडी क्या है, कैसे काम करता है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल सब कुछ इसके बारे में हम आपको इस वीडियो माध्यम से बताने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे अशोक यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारा अशोक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आप का बेल आइकन का नोटिफिकेशन उसको भी प्रेस कर दें, इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि हम इस चैनल पर एजुकेशन रिलेटेड, इंजीनियरिंग से एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज पब्लिश करते रहते हैं। हम जब भी न्यू वीडियो पब्लिश करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आपके एंड्रॉइड मोबाइल पर मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह वीडियो जिसमें समझ जा रहे हैं आरटीडी के बारे में। आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने कुछ आरटीडी से रिलेटेड कुछ डायग्राम्स बनाए हैं। यहाँ पे ये इसका जो है डायग्राम है आरटीडी का क्रॉस सेक्शनल व्यू। इसके बाद में यहाँ पे दो सर्किट डायग्राम भी हैं और जो डायग्राम है वो टू वायर एंड थ्री वायर आरटीडी के बारे में डायग्राम हमने बनाया है। पहली बात तो आरटीडी का फुल फॉर्म हम बता दें आपको, वैसे लेकर काम रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर होता है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर यानी कि टेम्परेचर का यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं और रेजिस्टेंस के फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं आरटीडी। अब यह कैसे काम करता है एक बार और हम आपको बता दें कि जिस जगह पर जिस एप्लीकेशंस में आपको रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करना है, जनरली ये इंडस्ट्रीज प्रोसेस इंडस्ट्रीज में इसका आरटीडी का जनरली यूज़ होता है, चाहे वो वहाँ पर आपका किसी प्रकार प्रोसेस हो, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर फ्लो ये तो तीन पैरामीटर तो मस्ट रहते ही हैं किसी भी इंडस्ट्रीज़ में। तो टेम्परेचर मेजरमेंट हमको यहाँ पे करना होता है इंडस्ट्रीज प्रोसेस सिस्टम में, तो वहाँ पे हम आरटीडी का जनरली यूज़ करते हैं। ये कैसे काम करता है कि जिस जगह पे मान लो आपने आरटीडी को प्लेस कर दिया, वहाँ पे यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही इस आरटीडी का जो रेजिस्टेंस है वह इंक्रीज होगा उसके प्रोपोर्शनल में, तो हमको वह रेजिस्टेंस हमको आउटपुट मिल जाता है। और उस रेजिस्टेंस को हम हमारा जो ब्रिज रहता है ब्रिजस्टोन ब्रिज या आपका मैक्सवेल, जो मतलब कि ब्रिज सर्किट डायग्राम के द्वारा हम उस रेजिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमको आउटपुट मिल जाता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर सर्किट डायग्राम समझेंगे, फिर अच्छे से बात करेंगे इसको। तो ये जो है सबसे पहले देखें डायग्राम का कि मान लीजिए कोई पाइपलाइन है आपकी, पाइपलाइन में आपका कोई स्टीम पाइपलाइन है, उसमें हमको या प्रोसेस पाइपलाइन है उसमें हमको क्या करना है, टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है कि उस पाइपलाइन में जो भी लिक्विड फ्लो हो रहा है, प्रोसेस फ्लो हो रही है, तो जिस पाइपलाइन में यदि मान लो कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका हमको टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, तो हम क्या करते हैं उस केस में कि पाइपलाइन में आरटीडी की प्रोब जो रहती है इसको इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब हम जब इसको लगा देते हैं आरटीडी को, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही इस जो पाइपलाइन में टेम्परेचर का फ्लो होगा या स्टीम की टेम्परेचर का स्टीम फ्लो रही उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग में जैसे ये मेटल है यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब आरटीडी प्रॉपर्टी होती है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब ये प्रॉपर्टी किस मेटल की होती है, तो इसके अंदर हम करते हैं जनरली इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है वो PT100 यानी कि इसका भी एक अलग से लॉजिक है, मतलब कि प्लेटिनम वायर का जनरली हम आरटीडी यूज़ करते हैं। प्लेटिनम वायर की यह प्रॉपर्टी होती है कि जीरो डिग्री टेम्परेचर पर यह हमको 100 ओम का रेजिस्टेंस आउटपुट में देता है। ठीक है, जैसे ही जीरो डिग्री से आगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर रेजिस्टेंस उसके रेशियो में बढ़ता रहता है, तो इसलिए जनरल इंडस्ट्री में PT100 टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। PT4 यहाँ से निकल के आता है प्लेटिनम वायर जिसमें हम यूज़ करते हैं, 100 मीन्स यहाँ पे जीरो डिग्री पे वह 100 ओम का रेजिस्टेंस हमको देता है, इसका नाम हम PT100 बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये कोई थ्रेड्स है, इस थ्रेड्स के माध्यम से कस देते हैं, ये पूरा जो पार्ट है वो पाइपलाइन में इंसर्ट कर देते हैं। सीट है, ये माउंटिंग थ्रेड्स, इसको लीड सपोर्ट है, रेजिस्टेंस एलिमेंट यहाँ लगा रहता है, ये थ्रेड्स के माध्यम से कस देते हैं। और यहाँ पे देख कनेक्टिंग लीड्स, यहाँ पे टू वायर, थ्री वायर, फोर वायर, जो भी जितनी वायर की आपकी आरटीडीज हैं उसके कनेक्ट अकॉर्डिंग यहाँ पे वायर टर्मिनल रहते हैं, जिनको हम इन वायर को हम लेते हैं कंट्रोल रूम की ओर ले जाते हैं। कंट्रोल रूम में वहाँ पे ब्रिज सर्किट अरेंजमेंट रहता है और यह रेजिस्टेंस वेरी हुआ उसके अकॉर्डिंग वो ब्रिज सर्किट जो रहता है उसमें रेजिस्टेंस अनबैलेंस की कंडीशन, मतलब ब्रिज के द्वारा हम इसका रेजिस्टेंस मेजर करते हैं और उस रेजिस्टेंस मेजर से हम डायरेक्टली इसका मिली वोल्ट के रूप में जनरेट जो भी टेम्परेचर है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, इसके सर्किट डायग्राम आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा टू वायर आरटीडी, फिर समझना पड़ेगा थ्री वायर आरटीडी। तो टू वायर आरटीडी आप देखें, ये जो आरटीडी थी यहाँ पे जो कनेक्टिंग लीड्स हैं वो आपकी आ गई यहाँ पे। ठीक है,
ये कनेक्टिंग लीड्स हैं। अब ये कनेक्टिंग लीड्स आप देखें, ये पूरा अरेंजमेंट है, ये ब्रिज सर्किट डायग्राम है जो कि आपके कंट्रोल रूम में लगा रहता है, और ये वाला जो पोर्शन है वह आरटीडी है पूरा। ये देखें, ये वाला पोर्शन जो है वो आरटीडी होगा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर टू वायर आरटीडी। अब जैसा मान लीजिए कि आपने किसी इंडस्ट्री में, प्रोसेस इंडस्ट्री में आरटीडी आपने पाइपलाइन लगा दिया, अब कंट्रोल रूम आपका 1 किलोमीटर या 1/2 किलोमीटर या मतलब जितने भी डिस्टेंस पे है किलोमीटर पे आपका कंट्रोल रूम और प्रोसेस आपकी प्लांट में हो रही है, तो आरटीडी से कंट्रोल रूम जाने के लिए एक केबल अरेंजमेंट करेंगे हम, केबल वायर लगाएंगे। तो क्या होता है इस केस में कि आरटीडी मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर उसने 100 ओम रेजिस्टेंस दे दिया, लेकिन कंट्रोल रूम जाते जाते ये केबल है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस इसमें रहता है केबल का, तो उसके कारण से टू वायर आरटीडी में एक प्रकार का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मतलब कि इसको बोलते हैं टेम्परेचर कंपनसेशन। तो कहने का मतलब उस केस में हम इसमें कंसिडर करते हैं कि इस केबल का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम बोल देते हैं जैसे मान लीजिए LR1 और LR2, इसको भी हम इंक्लूड कर चलते हैं, क्योंकि प्रोसेस आपकी इंडस्ट्री में कहीं भी हो रही है, पाइपलाइन हो रही है, लेकिन कंट्रोल रूम आप किसी और प्लेस पर है, वहाँ पे हमको इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, तो जो केबल कनेक्ट है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको हम LR1 LR2 मान लेते हैं टू वायर में। तो टू वायर आपका आज के समय बहुत कम यूज़ होती है, कम ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस की दिक्कत आती है, इस कारण से इसके रिप्लेस करने के लिए हम करते हैं 3 वायर RTD। ठीक है, ये 3 वायर RTD का डायग्राम हो गया। 3 वायर RTD हम यूज़ क्यों करते हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस रहता है केबल का रेजिस्टेंस, जो लॉन्ग डिस्टेंस पे आरटीडी आपने लगा रखी है, उस रेजिस्टेंस को जैसे मान लीजिए LR1 है या LR2 है, इस रेजिस्टेंस को इलिमिनेट करने के लिए हम एक और वायर का यूज़ करते हैं, इस कारण इसको बोलते हैं 3 वायर RTD, जनरली 4 वायर RTD भी यूज़ होती है। तो इसका इफेक्ट ये रहता है कि जो आपका एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है वो वहीं उस 3 वायर नेक्स्ट वायर के द्वारा उसको बैलेंस कर लिया जाता है, ताकि जो रेजिस्टेंस में वेरिएशन आए टेम्परेचर अकॉर्डिंग वही हमको मिली। तो ये आपका RX जो रेजिस्टेंस है, RX रेजिस्टेंस RTD का रेजिस्टेंस है, RTD का रेजिस्टेंस अननोन है, जो कि RX है अननोन। ठीक है, अब अननोन रेजिस्टेंस को हम नोन कैसे करेंगे, हमने इसके लिए बनाते हैं ब्रिज सर्किट डायग्राम। ब्रिज सर्किट में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 4 आर्म्स जिसमें कनेक्ट करती है उसको ब्रिज सर्किट बोलते हैं। ABCD हमारा ब्रिज बना हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, गैल्वेनोमीटर जगह पर आप आज के समय में डिजिटल वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं, DVM। ठीक है, डिजिटल वोल्ट मीटर को लगा दें डायरेक्टली डिजिटल के फॉर्म में हमको आउटपुट मिले, एनालॉग ना मिले, तो डिजिटल वोल्ट मीटर जनरली रिप्लेस कर सकते हैं, और इसमें एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई कर देते हैं इसको ब्रिज सर्किट को एक्साइटमेंट करने के लिए, इसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। तो क्या होता है जब आपका मान लीजिए कि 0 डिग्री टेम्परेचर है आपके, मैंने बताया आपको प्रोसेस लाइन में 0°C टेम्परेचर आपका आया, तो वहाँ पे ये 100 ओम का रेजिस्टेंस आएगा, हमको पता है। ठीक है, इसकी टेबल रहती है 0 डिग्री, इसके बाद 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इस पर एक रेशियो निकलता है, उससे आसानी से आप निकाल सकते हैं, डायरेक्टली आपको बेस डिजिटल वोल्टमीटर तो कैलकुलेट कर ही देगा। तो वो उस रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं इस अननोन, आपके R1, R2, R3 आपके नोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस निश्चित ही हम वोल्टमीटर द्वारा फाइंड आउट करते हैं, इसके बाद हम उसके अक्रॉस या प्रोपोर्शनल में कितना वोल्टेज हमको मिल रहा है उससे हम फाइनल देख सकते हैं कि कितना उस पाइपलाइन में अभी प्रेजेंट में रेजिस्टेंस है। तो 2 वायर और 3 वायर RTD का यूज़ करने का मेन मकसद यही है कि जो एक्स्ट्रा केबल है उसका रेजिस्टेंस को एलिमिनेट कर जाता है, यानी कि टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए हम 3 वायर RTD का यूज़ करते हैं, टेम्परेचर कंपनसेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, कंपनसेशन एक प्रकार का ये फैक्टर है, ये आपको पूछा जाता है टेम्परेचर कंपनसेशन क्या होता है, इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्यों इसको बोला जाता है। तो जब 3 वायर या 4 वायर RTD में टेम्परेचर कंपनसेशन की बात आएगी, 2 वायर RTD में जो लेंथ केबल की लेंथ रहती है उसका रेजिस्टेंस रहता है उसको लिमिट करने के लिए 3 वायर या 4 वायर RTD यूज़ करते हैं, और जो रेजिस्टेंस लिमिट किया जाता है उसको ही टर्म को ही हम टेम्परेचर कंपनसेशन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आपका RTD हो गया। अब बात करें कि RTD जो है जरूरी नहीं है कि प्लेटिनम वायर की बनी हो, ये मैंने लिखा प्लेटिनम कॉपर निकल एंड टंगस्टन वायर की भी इसमें हम यूज़ करते हैं, मतलब कि सॉरी प्लेटिनम कॉपर निकल या टंगस्टन मेटल का भी यूज़ हम करते हैं इस RTD के अंदर। जनरली मोस्ट पॉपुलर अभी जो है PT100 का यूज़ करते हैं। यदि आप कॉपर का यूज़ करोगे तो कॉपर की रेंज जो है, हाँ PT100 की टेम्परेचर रेंज PT100 यानी कि प्लेटिनम वायर की रेंज आपकी जो है टेम्परेचर रेंज -260 डिग्री टेम्परेचर से आप इसको 110 डिग्री टेम्परेचर तक इससे आप मेजर कर सकते हैं, किससे, PT100 के माध्यम से, यानी कि प्लेटिनम वायर के RTD से। अब यदि आप कॉपर का यूज़ करेंगे, कॉपर वायर,
तो कॉपर वायर की रेंज रहती है आपकी 0 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज कर सकते हैं। निकल वायर यूज कर रहे हैं, निकल मतलब कि मेटल यूज कर रहे हैं आरटीडी में, तो इसकी रेंज रहती है -220 से आपकी 300 डिग्री प्लस टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। और एक और है टंगस्टन मेटल, टंगस्टन यदि हम इसमें आरटीडी में यूज कर रहे हैं तो इसकी रेंज आपकी है -200 डिग्री से आपकी 1000 डिग्री, ठीक है। तो इतनी बड़ी रेंज के लिए टंगस्टन ज़्यादा टेम्परेचर मेजर करना, बॉयलर वगैरह में आपका हाई टेम्परेचर रहता है तो वहाँ पे हम टंगस्टन मेटल्स की आरटीडी का यूज़ करेंगे। और जनरली हम यूज़ करते हैं पीटी 100 यानी कि प्लेटिनम वायर की आरटीडी, जो कि रेंज रहती है 260 डिग्री से 110 डिग्री के अंदर ही हम सारा टेम्परेचर का मेजरमेंट कर लेते हैं। इंडस्ट्री में होता है, प्रोसेस इंडस्ट्री में, तो ये आरटीडी है। तो कहने का मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर आरटीडी टेम्परेचर का मेजरमेंट जहाँ पे करते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आरटीडी का। जनरल इंडस्ट्री में होती है पीटी 100 मतलब कि प्लेटिनम वायर की आरटीडी। 100 मीन्स 0 डिग्री टेम्परेचर पर 100 ओम का रेजिस्टेंस शो करती है। इसका फॉर्मूला रहता है एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का, वो होता है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ लिख लेते हैं, ये होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं आर इक्वल टू उसका होता है आर जीरो ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 1 टी स्क्वायर प्लस अल्फा टी 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अल्फा एन टी एन। और इसको फाइनली जब लिखा जाता है तो आर इक्वल टू होता है आर जीरो ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का आरटीडी के माध्यम से, वेयर आरटी क्या है, ये इसको आरटी बोल सकते हैं आप, आरटी क्या है, ये फाइनली हमको रेजिस्टेंस मिलेगा। आर जीरो क्या है, नॉन रेजिस्टेंस। आर जीरो क्या है, आपका नॉन रेजिस्टेंस रहता है फॉर पीटी 100, फॉर पीटी 100 के लिए इसकी वैल्यू होती है 100 ओम की, जो कि नॉन है, कौन है, आर जीरो। और 1 प्लस अल्फा टी, अल्फा की वैल्यू, ये अल्फा जो क्या है यहाँ पे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा टी टेम्परेचर रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशियंट इनको बोलते हैं, अल्फा 1 अल्फा टी 2 को शॉर्ट में फाइनल बोलते हैं अल्फा, और अल्फा इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशियंट। इसकी वैल्यू होती है 0.00385 पर डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका इस तरीके से ये अल्फा की वैल्यू आती है। टी क्या है, यहाँ पे टी भी है आपका टेम्परेचर, जो कि हमको नोन करना होता है, अननोन रहता है, फाइंड आउट हमको करना होता है। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा हमको क्या होगा, आर जीरो तो हमको पता रहता है, अल्फा पता रहता है, टी की वैल्यू यदि जीरो हो जाए, टी की वैल्यू इस फॉर्मूले में जीरो हो जाए तो ये वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी। तो आपका आर टी बराबर फाइनली यहाँ पे क्या जाता है, आर टी बराबर आपका, आर टी फाइनल बराबर आपका जाता है आर जीरो, और आर जीरो कितना है 100 ओम। तो कहने का मतलब एट कहाँ पर, टी इक्वल टू 0 डिग्री। तो टेम्परेचर जब 0 डिग्री हो जाए तो आपको आर टी डी मतलब आर टी डी का जो टेम्परेचर है वो आपको 100 ओम्स के फॉर्म में मिलेगा, और 100 ओम को ब्रिज सर्किट के माध्यम से हम मिली वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ती है तो इस फॉर्मूले में लग के आप इसकी वैल्यू फाइनली निकाल सकते हैं। तो ये इसकी कैलकुलेशन रहती है, आपको मस्ट है ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आर इक्वल टू, ये आर टी डी बोल सकते हैं, इक्वल टू आर जीरो ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा 1 टी 1, इसके बाद अल्फा 2 टी 2 प्लस डॉट डॉट अल्फा 3 टी की पावर 3 प्लस डॉट 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 अल्फा n टी n, और वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 या t1 t2 स्क्वायर जो है उसको शॉर्ट में फाइनल ले सकते हैं आर टी इक्वल टू आर जीरो ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा t। अल्फा टी जो है, अल्फा जो है आपका रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है जीरो, फॉर पीटी वायर की बात कर रहे हैं, प्लेटिनम वायर के लिए अल्फा इक्वल टू 0.00385 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और आपका यहाँ पे आर जीरो होता है 100 ओम, जो कि फिक्स्ड है प्लेटिनम वायर के लिए। इस फॉर्मूले के माध्यम से आप किसी भी जगह पर आरटीडी यूज कर रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशन आसानी निकाल सकते हैं, पैरामीटर उसके फाइनली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर के रिलेटेड आपको जो हमने एक लेक्चर के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया कि आरटीडी क्या होती है, कैसे काम करती है, और मैं आप इसको एक इमेज के माध्यम से बता दूं, मैं आपको यहाँ पे एक मैं इंटरनेट से इमेज लेकर रेफरेंस की बता दूं आपको, इंडस्ट्री में जो आप इमेज देख रहे हैं अभी ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, तो इस टाइप की आपको इमेज जो दिख रही है इस टाइप की, ये पीटी 100 यानी कि आरटीडी जो रहती है इंडस्ट्री में, इस तरह की इंडस्ट्री रहती है, इसमें देखें ये पूरी प्रोब रहती है, पूरा इसमें माउंटिंग अरेंजमेंट रहता है, और एक कैप रहती है, ये जो इसमें कैप जो है वहाँ पे कैप रहती है, उसमें आपके वायर कनेक्टिंग वायर लीड्स निकली रहती है, उनसे हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको इंडस्ट्री में ये आरटीडी देखने को मिलेगी पीटी 100।
ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये आरटीडी के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन थी आपको पसंद आएगी और आपको समझ में भी आएगी आरटीडी क्या है, कैसे काम करती है। अब आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, एग्जाम में पहले आरटीडी के बारे में लिखोगे, आरटीडी क्या होती है। सबसे पहले आप लिखोगे रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर को हम आरटीडी बोलते हैं। यह उस जगह पे यूज की जाती है जहाँ पे हमको टेम्परेचर मेजरमेंट करना हो और जैसे इसका जिसको आंसर कर दे, जैसे उस प्लेस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है प्रोपोर्शनली। उस रेजिस्टेंस को ब्रिज सर्किट के माध्यम से फाइनली आउटपुट कर लेते हैं मिली वोल्ट के रूप में। इसके बाद आप बनाएंगे डायग्राम्स, फिर डायग्राम में कंस्ट्रक्शन इसके बता देंगे पूरा, फिर बनाएंगे टू वायर थ्री वायर एलटीडी का आरटीडी का सर्किट डायग्राम। इसके बाद इसकी थोड़ी वर्किंग लिखेंगे कैसे काम होता है क्या है, इसके बाद ये फॉर्मूला लिख देंगे, फिर इसके बाद बता देंगे आप एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस तो आपको जहाँ भी टेम्परेचर मेजरमेंट करना है वो सब बता सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट ये एक प्रकार का एग्जाम की दृष्टि तैयार हो जाता है आरटीडी के टॉपिक। आपको ये टॉपिक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट है क्वेरी कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आरटीडी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कितनी हेल्प मिली, समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, वीडियो यहीं स्टॉप करेंगे और आप चाहते हैं और अन्य वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो वापस फिर बोलेंगे आप सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ दबा दें बेल आइकन का नोटिफिकेशन, इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा। हम जब भी नई वीडियो पब्लिश करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आपके एंड्रॉइड मोबाइल पर मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।